हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस एस्ट्रोलॉजी चैनल में। आज डिस्कस करेंगे हम न्यूमरोलॉजी नंबर 6 के बारे में। ऑलरेडी हम नंबर 1, 2, 3, 4, 5 डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके देखिए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस नंबर 6 का क्या एक्चुअल इन्फ्लुएंस है, तो आपको अगले सेंसेस में देखने होंगे, क्योंकि आपको ये देखना होगा कि 6 किसके साथ अपना कॉम्बिनेशन बना रहा है। अकेले आप 6 को देख के जज नहीं कर पाएंगे कि आप किस तरीके के हैं, क्या ट्रेड्स हैं आपके अंदर, क्या है। बट ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप नंबर 1 से 5 तक नहीं जानेंगे, तब तक आप इनका कॉम्बिनेशन 6 के साथ नहीं जान सकते। आगे बढ़ेंगे नंबर 6 के साथ। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जो मैं बेस्ट पॉसिबल होगा उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। हम लाइव सेशंस करते हैं, अब लाइव सेशंस में हमें कमेंट कर सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे हम न्यूमरोलॉजी नंबर 6 के साथ। जैसे कि हमने देखा है कि सारे नंबर्स किसी न किसी प्लेनेट के साथ रिलेशन रखते हैं। फर्स्ट रखता है सन, सेकंड मून, थर्ड जुपिटर, फोर्थ राहु, फिफ्थ मरकरी, वैसे ही 6 नंबर होता है वीनस का। हाँ जी, वीनस जो कि हमारे शुक्राचार्य होते हैं, दानव गुरु होते हैं, जो कि लग्जरीज के कारक होते हैं, जो कि सेक्स के कारक होते हैं, अपोजिट जेंडर फीमेल्स के कारक होते हैं, लव के कारक होते हैं, लस्ट के कारक होते हैं। ये जो भी आप लग्जरीज देख रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स देख रहे हैं, ये सब वीनस है। और एक अट्रैक्शन अगर आप देखें, परफ्यूम्स और इन सब चीज़ों के कारक भी वीनस होते हैं। कार, जो भी लग्जरीज आइटम्स हैं, उन सभी के कारक वीनस होते हैं। इवन अब झगड़ों के कारक भी वीनस ही हैं। तो आप ये देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था, अभी भी मैं आपको बताता हूँ कि इसे डेट है। अगर आप इन दोनों को सम करते हैं तो आपका बेसिक नंबर निकलता है, और इन सारे डिजिट्स का सम करते हैं, जो डी डी एम एम वाई वाई फॉर्मेटिव मैंने लिखे हुए हैं, तो आपका डेस्टिनी नंबर निकलता है। तो डेट, अगर ये आपका पहला जो ये नंबर निकलता है डेट को सम करने के बाद, वो आपका बेसिक नंबर होता है। अदरवाइज जो टोटल नंबर निकलता है वो डेस्टिनी नंबर होता है। बेसिक नंबर एक्टिवेट होता है 30 साल या शादी से पहले। अदरवाइज डेस्टिनी नंबर एक्टिवेट होता है, मेजर रोल प्ले करता है शादी के बाद। ऐसा नहीं होता कि बेसिक नंबर का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा शादी के बाद, ऐसा नहीं होता। बट मेजर जो आपको इम्पैक्ट दिखेगा वो डेस्टिनी नंबर का दिखेगा। तो एक एग्जाम्पल है, जैसे कि मैंने ट्रेड्स बता दिए आपको, लग्जरीज का कारक है, अट्रैक्शन है। तो अगर आपका नंबर 6 है, सिंगल टाइम आ रहा है, जैसा कि सारे नंबर्स के साथ अभी तक यही है कि जो सिंगल टाइम आ रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं। सिर्फ डबल टाइम में 4 ऐसा नंबर है जो डबल आए तो पॉजिटिव है, अदरवाइज वो नेगेटिव है। अदरवाइज उसके अलावा सारे नंबर्स अगर 2 बार आते हैं, 1 से अलग बार जाते हैं, तो उनके जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो बढ़ जाती हैं। सेम इज़ द केस विद वीनस। जो डबल 6 आता है वो लोग थोड़े झगड़ालू होते हैं, थोड़े शो ऑफ करते हैं, ब्रांड्स की तरफ उनका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ जीने की एक बहुत ही ज़्यादा प्रबल इच्छा उनके अंदर होती है। ऑल दो अट्रैक्टिव होते हैं, बट कभी कभी गलत चीज़ों, गलत संगति में भी पड़ सकते हैं। अब अगर नंबर 1, 6 है ये, लेकिन इनके अंदर लव होता है, अट्रैक्शन होता है, और एक क्योंकि फीमेल प्लैनेट है तो थोड़े सॉफ्ट होते हैं। अब अगर ये नंबर का कॉम्बिनेशन बनता है, सपोज़ कीजिए 6 का कॉम्बिनेशन बनता है तो 2 के साथ, तो एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाएंगे थोड़े से, क्योंकि 2 भी ऑलरेडी फीमेल प्लैनेट है, तो थोड़ी सी उनके अंदर जो फीमेलिश क्वालिटीज़ होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, लव ज़्यादा होता है, केयरिंग काफ़ी होते हैं, है ना। अगर यही 6 का कॉम्बिनेशन 7 और 5 के साथ बन जाए तो ये आपको इतनी लग्जरीज दे देगा कि मतलब आप लाइफ में आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी। इतनी लग्जरीज आपके पास होंगी, दुनिया की ऐसी कोई लग्जरी नहीं होगी आपके पास जो आपके पास नहीं होगी अगर 6 का 7 के 5 के साथ कॉम्बिनेशन बन जाता है तो। वैसे अगर 1 के साथ बनता है तो आप अथॉरिटेटिव होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, लोग आपके अंदर काम करना पसंद करेंगे, इन्फ्लुएंशियल होंगे आप बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से काम करता है। जो आपके ट्रेड्स हैं, जो 6 के बेसिक ट्रेड्स हैं, जो वीनस के ट्रेड्स हैं, उनके अलावा इनके कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं इनके ऊपर। तो अगर आपने उसमें ये कॉम्बिनेशन है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कीजिए, बताइए कि क्या आपके अंदर भी यही ट्रेड्स हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, तो आप हम जो लाइव सेशंस करते हैं उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन एकदम इसको जज मत कीजिए, बिकॉज जब तक आप सारे कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप इनके कॉम्बिनेशन बाकी उनके साथ पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि क्या ऐसा रिजल्ट है आपको देगा। बट हाँ, थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मैच हो जाएंगी, ये पक्की बात है। आगे देखेंगे हम आगे आने वाले सेशंस में, मतलब जो अगर ये सेशंस आप लोगों को पसंद आए और आपने इसको
पसंद किया, तो हम आगे सेशन बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि ईयरली नंबर कैसे निकाला जाता है। जैसे ईयरली नंबर निकाला तो ये साल आपका कैसा रहेगा, आप खुद प्रिडिक्शन कर पाएंगे। तो इस वीडियो के एंड होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।